हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल सिन्हा, सीनियर डिप्टी कलेक्टर बिहार गवर्नमेंट में। रिसेंटली मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, जैसे जब से मेरा सिलेक्शन हुआ, एक सवाल आता है कि सर हम भी तैयारी करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है हमारे पास, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, कैसे पढ़ें कैसे करें, कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं है, कोचिंग जाने के लिए समय नहीं है, ऑलरेडी एक जॉब में है, नौकरी में है, शादीशुदा है, कैसे समय निकाले। तो लगभग ये सब समस्याएं मेरे साथ भी थी, मैं भी एक जॉब में था, मैं भी शादीशुदा हूँ, और उसके बाद ही मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन चीज़ों को सीखा और इम्प्रूव किया। तो एक स्टोरी जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मैंने पहले भी आप लोग से शेयर किया, आज फिर एक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक नेशनल ज्योग्राफी का डॉक्यूमेंट्री है। अगर वो लिंक मिलता है तो मैं नीचे उसका लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, कि जो चीता होता है और हिरन होता है, तो चीते का जो एवरेज स्पीड होता है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे होता है, और हिरन का जो एवरेज दौड़ने का स्पीड होता है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हिरन दौड़ता है। तो लगभग 4 गुना का डिफरेंस है। और एवरेज स्पीड तो आप जानते ही होंगे, सब लोग तैयारी करने वाले हैं, तो एवरेज स्पीड होता है कि जो बहुत तेज़ दौड़ता है और सबसे स्लो दौड़ता है, तो उन दोनों का जो औसत होता है। तो जब नेशनल ज्योग्राफिक वाले अमेजन के जंगल में और सहारा के जंगल में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब चीता, जिसकी औसत दौड़ने की जो स्पीड है वो 4 गुना है हिरन से, हिरन के पीछे दौड़ता है, तो हिरन तब भी उससे तेज दौड़कर अपनी जान को बचा लेता है। तो लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका रीजन आपको क्या लगता है, उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये है कि दौड़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन दौड़ने के पीछे दोनों का रीजन क्या है? जो चीता होता है वो अपने नाश्ते के लिए दौड़ रहा होता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए दौड़ रहा होता है, खाना खाने के लिए दौड़ रहा होता है, और जो हिरन है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। तो मैटर ये करता है कि आप क्यों दौड़ रहे हैं। दौड़ तो हर कोई रहा है, हर कोई 3 से 4 लाख बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आप क्यों भर रहे हैं? अगर आप अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो आपकी जो शरीर की जो क्षमता है आप उसको सुपरसीड कर सकते हैं, जैसे वो हिरन करता है। हिरन 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही दौड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी जो फिजिकल जो भी उसकी कैपेसिटीज है उसको वो एक्सीड कर जाता है, और वो चीते को भी पिछाड़ देता है और वो अपनी जान को बचा लेता है। तो अगर आप अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं कि आप नौकरी में हैं, पैसे नहीं हैं, समय नहीं है, सब के सब पीछे रह जाएंगे और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपना वो रीजन फाइंड आउट करें। अगर आपका वो रीजन है कि आप जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। और मैं आने वाले वीडियोस में आपको और भी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मैंने अपनाई, जिससे आप 100% सफल होंगे। चलिए, तो अपना रीजन फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं आप लोग, तो इस सफर पे मेरे साथ रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी SDM बने एक दिन, और IAS बने, और जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा करें। चलिए, धन्यवाद।